9 बजे की 9 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। एनटीए को नोटिस जारी करते हुए कहा कि नीट यूजी की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है, हमें इसका जवाब चाहिए। मोहन चरण मांझी ओडिशा के नए मुख्यमंत्री होंगे। मांझी के अलावा केवी सिंह देव और प्रभाती परिदा राज्य के डिप्टी सीएम होंगे। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मंगलवार को पहली बार रायबरेली पहुंचे। राहुल ने कहा, मोदी शाह देश की नींव के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसलिए देश एकजुट हो गया है। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को एनडीए विधायक दल ने अपना नेता चुन लिया है। इसके अलावा एक्टर से नेता बने जनसेना प्रमुख पवन कल्याण को विधानसभा में फ्लोर लीडर चुना गया है। अफ्रीकी देश मालवी के उपराष्ट्रपति साउलोस क्लोस चिलिमा सहित 9 लोगों की प्लेन क्रैश में मौत हो गई है। ये विमान सोमवार सुबह ही रडार से गायब हो गया था। दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन इलोन मस्क ने एप्पल की ओपन एआई के साथ पार्टनरशिप का विरोध किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, अगर ऐसा होता है तो वे अपनी कंपनी में एप्पल के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने पर रोक लगा देंगे। ऊना से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैबिनेट मंत्री बना दिया गया, ऐसे में उनकी राज्यसभा सीट रिक्त घोषित कर दी गई है। इस सीट के लिए अब जल्द ही उपचुनाव होगा। भोपाल में मंत्रालय की चौथी मंजिल पर फिर आग लग गई। एयर कंडीशनर के ब्लास्ट के कारण यह आग लगी, जिस पर तुरंत काबू पा लिया गया। जिस समय यह आग लगी तब डॉक्टर सीएम मोहन यादव मंत्रालय में ही थे। मध्य प्रदेश के श्योपुर में जिस युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई थी, वो युवक अपनी ही 13वीं में घर आ पहुंचा। युवक के आने से मौत का मातम खुशियों में बदल गया। बताया जा रहा है कि परिजनों ने मिलती जुलती लाश का ही अंतिम संस्कार कर दिया था। आज की खबरों में इतना ही। ऐसे और भी जानकारियों के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और पढ़ते रहिए नेशन मिरर।